नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा इन दिनों दलितों की पार्टी बनती जा रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हर राजनीतिक पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर कोई अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी बताने में पीछे नहीं रहा। बीजेपी नेताओं ने दलितों के घर भोजन भी किया, लेकिन बीजेपी की इस दलित राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये उठकर खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी समेत अन्य पार्टियां 18 अप्रैल को परशुराम जयंती भी इसी तरह धूमधाम के साथ मनाएंगी। सवर्णों की पार्टी वाली भाजपा अब दलितों की पार्टी बन गई है। पिछले आम चुनाव के समय ही भाजपा दलितों के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही थी। वहीं हाल ही में SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हुए आंदोलन ने भी दलित राजनीति को केंद्र में ला दिया है। देश भर में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी कांग्रेस का हर बड़ा नेता नीले रंग में नजर आया। अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा साहेब की प्रतिमा पर नेताओं ने जय भीम के नारे लगाकर यह दिखाया कि केवल वही दलितों के हितैषी हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस बात से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी सबकी पार्टी है और वो परशुराम जयंती भी धूमधाम से मनाएगी। बहुत बड़ा सर्वहारा वर्ग उनसे जुड़ा हुआ है। लगातार उस तबके को ये महसूस होता था कि भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता नहीं करती, इसलिए लगातार हर वर्ष हमने आयोजन करके हमारी योजनाओं का बखान करके उस वर्ग को ये विश्वास दिलाया है कि हम लोग उनके असली हित चिंतक हैं। और जहाँ तक परशुराम जयंती की बात है तो परशुराम जी भगवान के लिए लगातार मध्य प्रदेश में विभिन्न आयोजन होते रहे हैं। हम लोग हिंदू समाज के बाकी भी जो हमारी अलग अलग जातियाँ हैं उसमें भी हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो उसे भी दलित वोट बैंक की चिंता सता रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि उसका सबसे बड़ा वोट बैंक बीजेपी के पास खिसक जाए। हालांकि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते बीजेपी अब बाबा साहेब अंबेडकर को अपना बताकर न केवल दलितों को बेवकूफ बना रही है बल्कि उनके साथ खिलवाड़ भी कर रही है। देश के अंदर जो आज राजनीति वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वह सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। पहले देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रहे थे, आज देश के अंदर दलित और सवर्णों के नाम पे बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनने सीखा ही अंग्रेजों से है, वोट डालो और राज करो, ये उसी राज पे काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि सत्ता की चाबी के लिए उसे दलित वोट बैंक की कितनी दरकार है। बीजेपी अब समझ चुकी है कि उसे अगर सत्ता में रहना है तो दलित वोट बैंक को उसे साधना होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दलित वोट बैंक को खींचने के चक्कर में उसका मूल सवर्णों में खासकर ब्राह्मण वोट बैंक ही उससे दूर ना हो जाए। इस तरह अंबेडकर जयंती के मौके पर सारे दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे भी संदेश साफ जाता है कि सारे दलों खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को इस बार की बहुत फिक्र है। राष्ट्रपति को जिस तरह से अंबेडकर जन्मभूमि लाया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह के कार्यक्रम हुए उसका भी संदेश यही है। लेकिन कि एक बड़े अपने खतरे हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं भाजपा का जो मूल पिंड है, जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, वो इससे छिटक कर बाहर ना हो जाए। क्योंकि जो ब्राह्मण और बनिया और छत्री इसके समय जो मतदाता हैं वो भाजपा के बड़े वोट बैंक रहे हैं, और अगर ये छिटकते हैं तो भाजपा को आने वाले दिनों में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होना है तो उन्हें दलितों के पास न केवल जाना पड़ेगा बल्कि उसे अपना भी बनाना होगा। शायद यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना दलित समाज के प्रति उसके सम्मान के साथ ही उसकी दलित राजनीति का एक अहम हिस्सा था। इसके अलावा साथ ही SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हुए आंदोलन ने भी दलित राजनीति को केंद्र में ला दिया है। बीजेपी और RSS पिछले कुछ वर्षों से दलितों पर काम कर रहे हैं। प्रदेश और देश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने बीजेपी की दलित राजनीति को चोट पहुंचाई है। ऐसे में भाजपा अंबेडकर जयंती को धूमधाम से मनाकर दलितों में अच्छा संदेश दे रही है।
लेकिन अब देखना यह है कि क्या 18 अप्रैल को बीजेपी परशुराम जयंती भी इसी धूमधाम के साथ मनाती है। कहीं ऐसा ना हो कि दलित राजनीति के चलते बीजेपी का कोर ब्राह्मण वोट बैंक उससे दूर चला जाए। 543 कुल सीटें हैं, 79 अनुसूचित जाति, 40 अनुसूचित जनजाति, यानी 119 सीटों को और 20% के लिए 80 को नाराज कर रहे हैं। लोकसभा की मध्य प्रदेश में आरक्षित 11 सीटों में से 10 बीजेपी के पास और केवल एक कांग्रेस के पास है। वहीं विधानसभा की 47 अनुसूचित जाति की सीटों में से 32 पर भाजपा काबिज है, जबकि 35 अनुसूचित जनजाति में से 28 पर कमल खिला होने से ही जय जय श्री राम की जगह जय भीम जप रहे हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।